कहते हैं कि आत्माएं और दैत्य ज्यादातर इंसानों को नजर नहीं आते, लेकिन क्या हो जब आपको किसी इंसान और भूत के बीच हुई कुश्ती के किस्से के बारे में पता चले। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट स्टार पर मैं एक बार फिर आपसे हो रहा हूं रूबरू एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है भूत से कुश्ती। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। भाई कुछ भी बोलो, पर लड़की वालों ने तैयारी बहुत बढ़िया करी थी। खाना खा के मजा सुहागो, इंतजाम सारे बढ़िया करे थे, दहेज भी बहुत मिलो, और ससुर कलुआ को लुगाई कितनी बुरी मिली है। नाम कलुआ और लुगाई गोरी, सही किस्मत है बेटा। बाकी एक हमें हम ऐसी रह गई, हमारी तो अम्मा हमारी शादी ना कर रही, पता नहीं चो। मुकेश उत्तर प्रदेश के एक बीहड़ गांव में रहने वाला एक हट्टा कट्टा जवान जो कि पेशे से पहलवान था। तो होता कुछ यूं है कि मुकेश एक रोज रात के करीब 2 बजे पासी के गांव से अपने दोस्त की शादी से आ रहा होता है, और जिस रास्ते से वो आ रहा होता है वो जंगल से होकर निकलता था, और जंगल के बाहर थे घने खेत। मुकेश बेखौफ अपनी ही धुन में खुद से बात कर चलता रहता है। तभी कुछ ही दूर चलकर उसे पास की झाड़ियों से एक फुसफुसाहट की आवाज आती है। कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ? कुछ सांप कीड़ा तो ना है कहीं? कौन है? मुकेश पहले झाड़ियों को टटोलता है, लेकिन कुछ ना मिलने पर वापस अपनी मस्ती में आगे के लिए चलने लगता है। लंगुरिया ने के पंप चलाए दे, भगवान कर गई पैया की, मैं तो जात करूं किला मैया की, मैं तो जात करूं किला मैया की। मुकेश गुनगुनाता हुआ कुछ ही कदम आगे बढ़ता है, तभी उसे महसूस होता है मानो फिर से झाड़ियों के पीछे कोई हो, क्योंकि इस बार उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आती है। ए, कौन है? वो है क्या? अब को खड़ा वहाँ पे? ए, हट! ए, ए, जानवर वानवर है कोई? उसे शुरुआत में लगता है कि शायद झाड़ियों के अंदर कोई जानवर है, इसीलिए वो एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ झाड़ियों को हटाकर देखता है। सुगर वुगर तो ना है कहीं यहाँ पे? एक तो यार गांव में जानवर इतने सारे होते हैं, अब पता ना काय काना है। खैर छोड़ो, होएगा ससुर जी होएगा, अपने घर को चले, बहुत देर है। और ये बोलता हुआ वो वापस चलने लगता है। अरे ससुर बिदा ना गुड़ भी तो दिया हो लड़की वाले ने? अरे रखो तो यार, ला जा गुड़ी खा ले यार, कुछ तो टाइम पास है जाए, वो मोह मीठा कर ले, हमारी तो शादी हुई ना, करगुआ की खा ले मिठाई, मिठाई भी जबरदस्त बनाई है, मजा मजा सुहाओ यार, बहुत स्वाद लग रही है ये तो। तभी अचानक से अब मुकेश को झाड़ियों से किसी छोटे बच्चे के भागने की और हंसने की आवाज आती है, जिसे सुन वो कुछ सहम सा जाता है। कौन है? बाहर आ जा, नहीं तो डंडा मार दूंगा। कौन वहां बता, कौन है? बालक वाले का कोई? ससुर कौन है वहां? कौन छुपा पीछे? मुकेश डंडा लेकर सारी झाड़ियों में इधर उधर देखता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता, ना कोई बच्चा, ना कोई इंसान और ना ही कोई जानवर। ये चक्कर का ऐसा सोच समझ में ना ही बात, आवाज तो कहीं बालक के हंसने की आ रही थी, कहीं मेरे कान तो ना बज रहे, क्या करूं यार अब। खैर छोड़ो, अब जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहिए, अम्मा बाट देख रही होगी। अब मुकेश इतना कहकर घर के लिए आगे निकलता ही है, तभी मुकेश, ओ मुकेशा, ओ बहन के नंद मुकेश। कौन है? कौन बालक है? बता ससुर, कौन है? गाड़ी कौन बकरा? ऐ सामना चौना ला, कौन है? अरे हंसे मत ससुर, दांत तोड़ दूंगा, खीपरा से बाहर आ जाएंगे। कौन बालक है सामने आ, कौन है? बालक ना बापू तेरो, मार मार के कबूतर बना दूंगा, आई समझ में मुकेशा? मुकेश को लगता है कि कोई छुपकर उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए वो गुस्से में उसे लड़ने का चैलेंज देता है।
बकवास मत करे ज्यादा, हिम्मत है तो सामने आ। सात गांव के पहलवान भी डरते हैं मोते, सामने तो आ ना तेरी भूख सी भर दूं, अम्मा पापा याद आ जाएंगे तुरंत। अच्छा तुम्हारे गाँव में तू मुकेशा, तुम्हारे गाँव में? हाँ मैं मारा सामने तो एक बार। अच्छा सामने आऊं? हाँ सामने तो आके दिखाना जब बताऊंगा। इसके साथ ही मुकेश को पीछे से कोई उसकी कमर पर हाथ मारता है। अच्छा तो ले आजा, लड़ते हैं चल, लड़ेगा आजा, कल लड़ाई आ, देखे कौन बड़ा पहलवान है, ये देख बड़ी देखिए। तू लड़ेगा मोते, तू तो इतना छोटा सा है यार, तुम्हारे गाँव में। मुकेश देखता है कि अब तक जो इंसान उसे मारने की बात कर रहा था वो महज एक 7 साल का बच्चा है, जिसकी लंबाई मुकेश की कमर से कुछ ही इंच ऊपर होती है। ए जा जा यार, तू अभी छोटा, अभी पहले बड़ा हो जा, फिर जाके लड़ियो। क्यों मुकेशा, माँ ने दूध ना पिलाओ का, अब डरवा मत है, अब लड़ना हिम्मत है तो। एक थप्पड़ में ढेर आ जाएगा, चला जाए यहाँ से, बकवास मत कर। अरे हाथ तो लगा के दिखा, अगर एक बाप की औलाद है तो लड़, नहीं तो घर चला जा, जा। ये सुनते ही मुकेश उस बच्चे को गुस्से में जोर से धक्का मारता है। तेरी ऐसी की तैसी मारूं, चल हट यहाँ से। लेकिन इतनी जोर से धक्का मारने के बाद भी वो 7 साल का बच्चा 1 इंच भी नहीं हिलता, और ये देख मुकेश हैरान हो जाता है। ये भगवान, जरा से बालक में इतनी ताकत, ये तो नेक भी ना हिलो। बस हो ही लंगो टाइट, बहुत बड़ा पहलवान है ना, आजा दोबारा मार। और उसके बाद उस 7 साल के बच्चे और मुकेश की कुश्ती शुरू होती है। ले तेरी माँ का पहलवान मारू, ले ले तेरी माँ का पहलवान मारू। अरे तो बड़ा भैया मर गया, मैं मर गया, बहुत बड़ा पहलवान है, ले आ आ आ आ वो जरा सा बच्चा मुकेश जैसे भारी भरकम पहलवान को किसी खिलौने की तरह उठाकर फेंकता है, और कुछ समय बाद मुकेश दर्द से कराहता हुआ वहीं बेहोश हो जाता है। और सुबह जब उसे होश आता है तो टूटे फूटे शरीर के साथ पट्टियों से लिपटा हुआ वो खुद को अपने घर पर पाता है। अम्मा अम्मा, मैं कैसे आ गया यहाँ पे, अम्मा बहुत दर्द है ना, मैं यहाँ कैसे आया? अरे बेटा बच गया तू, शुक्र है भगवान को, नहीं तो वो छलावा तो मार डालता जान से। छलावा? कौन छलावा अम्मा? हाँ बेटा वो बच्चा ना हो छलावा, तो जानो तो पीटो। अम्मा तभी मैं सोचू को वहां इतनी ताकत कैसे आई, भूत है तो वो तो। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही, मैं अगली बार फिर आपसे होऊंगा रूबरू किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और सुनते रहिए पॉडकास्टर।